नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो NCB ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शनिवार रात मुंबई में एक क्रूज पर NCB की टीम ने छापेमारी की। NCB के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान से ब्यूरो के दक्षिण मुंबई स्थित ऑफिस में पूछताछ चल रही है। उन्होंने कहा कि रात में रेव पार्टी में NCB के छापे के दौरान आर्यन खान भी क्रूज पर मौजूद थे। हिरासत में लिए गए लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उनके ब्लड सैंपल भी लिए जाएंगे। समीर वानखेड़े ने कहा, आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट, मुनमुन थमीचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन से भी NCB ने पूछताछ किया है। NCB को क्रूज के अंदर चल रही पार्टी का एक वीडियो मिला है जिसमें आर्यन दिख रहे हैं। पूछताछ में आर्यन ने बताया कि उन्हें इस पार्टी में मेहमान के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। आर्यन ने दावा किया है कि ऑर्गेनाइजर ने उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी में बुलाया था। 3 दिन के पार्टी में यात्रियों के लिए म्यूजिकल सफर में मनोरंजन की व्यवस्था की गई थी। क्रूज मुंबई से गोवा जा रही थी और 4 अक्टूबर को मुंबई लौटना था। इस क्रूज पर क्रे ऑक नाम से इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस क्रूज पार्टी में NCB छापे के दौरान 600 हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे, जबकि इस क्रूज की क्षमता 2000 लोगों की है। बताया जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई से पहले NCB सभी का मेडिकल टेस्ट करवाएगी ताकि पता चल सके कि इन्होंने पार्टी में ड्रग्स ली थी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।